इंडिया ने 35,000 करोड़ जो हैं वो सेव किए हैं और रशिया के साथ अब ट्रेड कर रहे हैं ऑयल की, रशिया के साथ ऑयल की ट्रेड कर रहे हैं और अपने मुल्क में ऑयल जो है इंपोर्ट कर रहे हैं। आप तो जाके कहते हैं अल्लाह के नाम पे कोई दे दे भाई, चल यार गैस नहीं है तो कपड़े यूज्ड भेज दो, को लंडे के कपड़े भेज दो। तो मोदी साहब वहां से रशिया से तेल ले रहे हैं कैश पे। इंटरबैंक में डॉलर 1.09 रुपए मजीद महंगा हो गया, इंटरबैंक में डॉलर 239 रुपए का हो गया। मोदी जी का एजेंडा देखें कि उन्होंने शुभाषिनी साहब को आउटस्मार्ट कर दिया है इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी। उन्होंने पुतिन के सामने बैठ के कहा है कि ये वॉर जो है ना ये अच्छी चीज नहीं है, कि उस पर ना सिर्फ इंडियन मीडिया ने मजाक बनाया बल्कि जो दीगर गैर मुल्की ज़राए ब्लॉग हैं उनमें भी इसको खूब उछाला गया। और अफसोस ही किया जा सकता है क्योंकि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं ये। आप कोशिश कीजिए, आप चीखिए चिल्लाइए अपना गला छील लीजिए, लेकिन ये होगा कुछ नहीं। मोदी साहब ने किस दिलेरी के साथ पुतिन साहब को ये कहा है, हमारे लीडर क्यों नहीं कहते? इंडिया जो है किसी के जेरे तसल्लुत नहीं आता, पाकिस्तान के ऊपर कोई ना कोई पाबंदी है। 100 रुपए की जब रोटी हो जाएगी तब ख्याल आएगा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने कपड़े बेचने थे। एग्जैक्ट इस वजह से वो प्रॉमिसिंग है कि यार नहीं आप इधर वो जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। मैं भी बड़ा इमोशनल हो गया था, लेकिन फिर मैंने अपने आप को समझाया, मैंने समझाया कि मैं किस कौम में पैदा हुआ हूँ, मैंने समझाया कि मैं ग्रीन पासपोर्ट होल्डर हूँ। देखें सबसे बेहतर वज़ीर आज़म वही है जो अपने मुल्क के मुफाद में जाता है, और इंडिया इस टाइम बहुत क्लेवरली खेल रहा है। इंडिया ने 35,000 करोड़ जो हैं वो सेव किए हैं और रशिया के साथ अब ट्रेड कर रहे हैं ऑयल की, रशिया के साथ ऑयल की ट्रेड कर रहे हैं और अपने मुल्क में ऑयल जो है इम्पोर्ट कर रहे हैं। पहले जो इंडिया है उसको तेल की जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था और अब जो है वो सस्ते में मिल रहा है। इंडिया ने 36,000 करोड़ जो हैं वो सेव किए हैं और रशिया के साथ ऑयल ट्रेड किया है, अपने मुल्क में जो है ऑयल इम्पोर्ट किया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? बड़ी अच्छी बात है, देखें सबसे पहले अपने मुल्क का फ़ायदा देना चाहिए और रशिया से काफ़ी करीबी ताल्लुक है इंडिया के। अब रशिया ने तो पाकिस्तान को भी ऑफर की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के जो ताल्लुक उनसे बेहतर नहीं हो सके, लेकिन सुनने में आ रहा है कि शायद दोबारा कोई डील हो रही है। लेकिन देखें सबसे बेहतर वज़ीर आज़म वही है जो अपने मुल्क के मुफाद में जाता है, और इंडिया इस टाइम बहुत क्लेवरली खेल रहा है और काफ़ी अपने मुल्क जो पॉलिसीज़ बना रहा है और काफ़ी जो उनके मुल्क के हक में बहुत अच्छी हैं। दूसरी बात यह है कि इंडिया जो है किसी के ज़ेर तसल्लुत नहीं आता, पाकिस्तान के ऊपर कोई ना कोई पाबंदी है या किसी मुल्क का होल्ड है जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है अपनी आज़ाद पॉलिसी। पाकिस्तान भी तो अपने आप को आज़ाद कर सकता है ना, क्यों नहीं करता? देखें पाकिस्तान पॉलिटिकल स्टेबल नहीं है, जब तक पाकिस्तान पॉलिटिकल स्टेबल नहीं होता पाकिस्तान अपने आप को किसी से भी आज़ाद नहीं करा सकता। आपके मुल्क में बहुत से मुल्की एजेंसीज हैं वो काम कर रही हैं जो आपको आज़ाद होने ही नहीं दे रही। आपकी कोई भी गवर्नमेंट जो है 5 साल पूरे नहीं कर सकती, इसमें जब भी कोई अमेरिका के मुखालिफ जाना स्टार्ट हो जाता है या रशिया की तरफ अपना झुकाव दिखाता है तो उसकी गवर्नमेंट जो है वो हटा दी जाती है, या कोई ऐसी पॉलिसी जो इस्लामिक कंट्रीज़ के हक में होती है और पाकिस्तान उसको लीड करना चाह रहा होता है तो उससे पहले ही पाकिस्तान का जो है उस गवर्नमेंट का जो पता साफ कर दिया जाता है। आप उनको थोड़ा सा प्रोमिसिंग हो जाए, आप कम इंडिया में क्यों लोग करते हैं, कहते हैं कि आबादी बहुत ज़्यादा, आबादी की आबादी तो चाइना की भी बहुत ज़्यादा है, फिर इंडिया की क्यों करते हैं? एग्जैक्ट इस वजह से वो प्रोमिसिंग है कि यार नहीं नहीं आप इधर वो जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। ये आप वही मैं कह रहा हूँ ना, देखें आप अब देखें चाइना से गूगल की कंपनी उठा रही है गूगल पिक्सल और इंडिया लेकर जा रही है, इंडिया में बिकता क्यों है कि यार आप इधर इन्वेस्ट करें, लोग इधर खरीदेंगे भी, हमने हालात अच्छे किए हुए हैं और काम बनेगा। ये नहीं कि इंडिया के सारे हालात ठीक, पाकिस्तान कैसे ठीक करेगा? आपके रिलेशन अच्छे होंगे, दौरे करने पड़ेंगे, आपको प्रॉमिसिंग होना पड़ेगा, आपकी हुकूमत को स्टेबल होना पड़ेगा, आपकी हुकूमत स्टेबल होगी आपको टेंशन नहीं होगी। जब आपको पता होता है यार मैं आप एक मुआहदा कर लेता हूँ इमरान खान साहब के साथ, दूसरे दिन पता चलता है वो शुभाषिनी वज़ीर आज़म बन गए, 3 माह बाद पता चलता है कोई निगरान हुकूमत आ गई, अभी निगरान हुकूमत आ जानी थोड़े दिन ही है, फिर इमरान खान साहब आ जाने तो स्टेबल नहीं रहेगी, तो यार मैं कैसे फिर मैं यही सोच में पड़ूंगा अगर मैं बिजनेसमैन हूं कि यार मैं इमरान खान के साथ करूं या किसके साथ करूं। तो मुझे लोग कह रहे थे जी देखिए एक इसी एक फोरम में आज सुबह में बैठा था तो उन्होंने किसी ने कहा पार्टिसिपेंट ने जी देखिए मोदी साहब ने किस दिलेरी के साथ पुतिन साहब को ये कहा है, हमारे लीडर क्यों नहीं कहते? मेरे पास उसका जवाब है, मैंने दिया नहीं उस पर। मोदी साहब रशिया से तेल लेते हैं कैश देकर, आप जाके उनसे जो चीज मांगते हैं खैरात में मांगते हैं, तो खैरात मांगने वाला तड़ियां नहीं लगा सकता, खैरात मांगने वाला आंखों में आंखें नहीं डाल सकता। आप तो जाके कहते हैं अल्लाह के नाम पे कोई दे दे भाई, चल यार गैस नहीं है तो कपड़े यूज्ड भेज दो, को लंडे के कपड़े भेज दो। तो मोदी साहब वहां से रशिया से तेल ले रहे हैं कैश पे, वो उनके ग्राहक है, ग्राहक कंप्लेन कर सकता है, जो फकीर दरवाजे पे खड़ा हो वो आपको धमकियां नहीं दे सकता, ये आपको भाषण नहीं दे सकता। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस है। आप कहते हैं वो मैंने नहीं कहा उसको कहते थे रशिया तेल गैस देना चाहता है, पाकिस्तान लेना चाहता है तो डील हो क्यों नहीं रही? भाई आप सऊदी अरेबिया से तेल लेते हैं वो भी डेफर्ड पेमेंट पे, अब रशिया आपको गैस दे डेफर्ड पेमेंट पे, आप तो यही चाहते हैं ना,
यार 2-3 साल गैस दे दो फिर पैसे हुए तो दे देंगे, तो इस तरह तो नहीं डीलें होती ना। आपके आप देखें आपके हालात फॉरन रिजर्व क्या रह चुके हैं, डॉलर क्या। मैं एक और बात आपके खासकर बताना चाहूंगा, टर्किश एयरलाइन ने पाकिस्तान में अपना टिकट बेचने बंद कर दिए। बिल्कुल कहते ऑनलाइन किया करो क्योंकि वहां पर डॉलर नहीं मिलते, हमारे पैसे फंस जाते हैं वहां। तो आपके हालात आपको पता ही है आप किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। बस अफसोस इस बात का है कि आधा कंट्री पानी के नीचे है, लेकिन आपने हर शहर में कॉन्सर्ट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आपको कोई फिक्र परेशानी नहीं, दुनिया परेशान है आपके। सर एक न्यूज ये भी आ रही थी कि जिन कंट्रीज ने कहा था कि वो फंड देंगे फ्लड के बाद, यानी जो आनी थी इमदाद आनी थी, जो फंड्स आने थे, वो भी अभी तक नहीं पहुंचे हैं, शायद इस वजह से भी ये परेशान है कि लोगों ने कहा तो बहुत है, अगर कुछ नहीं हो रहा तो कम से कम वो खान साहब ने जो टेलीथॉन किया था वही पैसे आ जाते, लेकिन जो दूसरी कंट्रीज ने भी प्रॉमिस किया था वो भी अभी तक नहीं आए। नहीं वो टेलीथॉन पे तो देखे ना, वो टेलीथॉन तो एक पॉलिटिकल स्टंट था ना, उसका पैसों के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं था उनमें, तो उनमें से तो मैं कई लोगों को जानता हूँ जो बाहर से बैठ के फोन कर रहे थे, वो तो बेचारे उनके हालात ही नहीं इस काबिल के कोई पैसा दे, वो तो बड़ी मुश्किल से साल बाद पाकिस्तान का टिकट लेकर जाते हैं, लेकिन उन्होंने टेलीफोन के ऊपर उन्होंने पैसे, किसी ने कहा मैं इतने करोड़ दे रहा हूँ, वो तो एक पॉलिटिकल स्टंट था। आपको किसने कहा कि वो पैसे इकट्ठे होंगे और फिर पहुंचेंगे बस सैलाब वालों के पास, ये तो एक मजाक है, इसके अलावा कुछ नहीं। खान साहब ने आज अपने बाजू उठा उठा कर उन्होंने कहा जी मैंने 8 घंटे में 14 अरब रुपया इकट्ठा किया है, और मैं मुझे कहो तो मैं 4 घंटे में 25 अरब इकट्ठा कर देता हूँ, इकट्ठा करने टेलीफोन पे और कागजों की किश्तियां बनाने में कितनी देर लगती है भाई।